दूध शरीर में पोषक पदार्थों, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज तथा वसा की आपूर्ति का आवश्यक स्रोत है। दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लंबे समय से दूध के पैश्चराइजेशन की प्रक्रिया चली आ रही है, जिससे दूध में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। कई बार वाणिज्यिक इस्तेमाल का दूध पैश्चराइज नहीं होता, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध को पैश्चराइज किया गया है या नहीं, इसकी जांच के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एल्कलाइन फॉस्फेटेज या ALP दूध जांच किट विकसित की है, जिसमें एक सामान्य फिल्टर कागज का इस्तेमाल किया जाता है। ये किट किस प्रकार कार्य करती है, जानने के लिए देखें ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ तथा विटामिन के लिए दूध एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके फायदे हर उम्र में हैं। दूध नवजात बच्चों में प्रतिरक्षा शक्ति विकसित करने से लेकर वयस्कों के शरीर में कैल्शियम उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जानवरों से उत्पन्न होने के कारण दूध बेहद कम समय के लिए स्वास्थ्यप्रद रहता है। हवा के संपर्क में आने के बाद उसमें तेजी से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इससे दूध की गुणवत्ता तथा पोषक पदार्थ नष्ट होने लगते हैं। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने तथा उसके पोषक गुणों को बनाए रखने के लिए पैश्चराइजेशन नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। पैश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दूध को तेजी से ठंडा किया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा पैश्चराइज दूध के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। एल्कलाइन फॉस्फेट यानी ALP नामक किण्वक प्राकृतिक रूप से दूध में पाया जाता है, लेकिन पैश्चराइजेशन के लिए निश्चित तापमान तक पहुंचते-पहुंचते ये नष्ट हो जाता है। लिहाजा दूध में एल्कलाइन फॉस्फेट की उपस्थिति पैश्चराइजेशन की गुणवत्ता जानने का एक अच्छा मानक है। इस जांच की कई विधियां हैं जो लंबा समय लेती हैं और उनके लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण मौके पर उनकी जांच नहीं की जा सकती। अब दूध में पैश्चराइजेशन गुणवत्ता की जांच के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाली, पर्यावरण के अनुकूल और मौके पर जांच किया जा सकने वाला किट विकसित किया है। किट को बनाने में जैव सेंसर आधारित तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। ये किट वाणिज्यिक तथा कच्चे दूध के नमूनों में ALP स्तर की जाँच करने में मददगार साबित हुआ है। Which has been obtained by the punching machine, usually what we throw, but that particular ALP disc we have utilized, and we have done a lot of wet chemistry on that. So the importance was to develop the immunosensing system, where the specific antibody towards the ALP has been immobilized. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में डॉक्टर प्रांजल चंद्रा के निर्देशन में शोधकर्ताओं ने एक जैव सेंसर विकसित किया है। इसके लिए छोटे छोटे फिल्टर पेपर डिस्क का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ALP के साथ प्रतिक्रिया करने वाले कुछ जैविक रसायन मिलाए गए। दूध का नमूना डालने से पेपर डिस्क का रंग सफेद से नीला हो जाता है। अगर दूध पैश्चराइज नहीं है तो उसमें उपस्थित एल्कलाइन फॉस्फेट की एक सरल तरीके से जांच की जा सकती है। We thought that we have to make something very simple that can be utilized to the end user, either in the industry or in the home kitchen or at the place where we are going to take the milk or something like that. So eventually this is a very, very miniaturized system where we can, we no need of any kind of instrumentation to develop or to analyze that in a qualitative way. पैश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध की गुणवत्ता की जानकारी के लिए डॉक्टर प्रांजल चंद्रा और उनकी शोध टीम द्वारा विकसित कागज आधारित छोटे आकार का जैव सेंसर निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, जो वाणिज्यिक उद्योगों के लिए या मौके पर उपलब्ध पैश्चराइज्ड और कच्चे दूध में आशंकित संक्रमण की जाँच कर सकता है। ये शोध बायोसेंसर्स एंड बायोइलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैश्विक तापमान में वृद्धि पूरी दुनिया के लिए सबसे गंभीर पर्यावरण से जुड़ा विषय है।